नमस्कार, चंदास प्लेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बनाएंगे विटामिन्स और आयरन से रिच शाही ग्रीन पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि इसमें पालक, मटर, हरा प्याज डलते हैं, जिस वजह से इसे शाही ग्रीन पुलाव या रजवाड़ा ग्रीन पुलाव भी कहा जाता है। सबसे पहले हम ग्रीन प्यूरी बनाएंगे, जिसके लिए एक मिक्सी के पॉट में एक जुड़ी पालक धो के काट के डाल देंगे। उसी के साथ 4 से 5 लहसुन की कलियां और 4 मिर्ची तोड़ के डाल देंगे। उसी के साथ लगभग 1 मुट्ठी ताजा हरा धनिया डालेंगे और इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसे स्मूथ करने के लिए इसमें 1 कप पानी डालेंगे और फिर से ब्लेंड करेंगे। अब इस प्यूरी को एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद हमें लगेंगे 250 ग्राम बासमती चावल। इसे धोकर आधा घंटा भिगो के रख देंगे। आधे घंटे बाद इसे छान लेंगे, साइड में रख देंगे। पानी गर्म करने के लिए रख दे। अब एक कढ़ाई में लगभग 3 टीस्पून घी लेंगे और उसी में 3 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें लगभग 5-6 काजू और 5-6 बादाम रोस्ट करेंगे। यहाँ काजू और बादाम को हमने स्लाइस में काटा है। ये अच्छे से फ्राई हो जाने पे इसे निकाल लेंगे। अब इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे और 2 छोटे चम्मच जीरा डालेंगे। साथ ही तेज पत्ता और दालचीनी मिला लें। दो बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 5 से 6 काली मिर्च, 2 हरी इलायची और कड़ी पत्ता। एक कटोरी ताजे हरे मटर। अब इसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 1 मिनट बाद 2 बारीक कटे हरे प्याज डाल देंगे। इन सबको 1 मिनट अच्छे से सौटे करेंगे। 1 मिनट बाद इसमें प्यूरी मिला दे। अच्छे से मिला दे। वैसे तो इसे हर मौसम में खा सकते हैं, पर ठंडियों के दिनों में जब ताजी सब्जियां मार्केट में होती हैं, उस समय इसे खाने का मजा ही कुछ और है। स्वादानुसार नमक डाल दे। अब इसमें 3 कटोरी गरम पानी डाल देते हैं और इसे एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें जाएगा हमारा बासमती चावल। इसे हल्के हाथ से मिलाएं। लगभग 6 से 7 मिनट इसे ढक्कन रख के पकाएंगे। लगभग 4 मिनट बाद इसमें आधा टीस्पून शक्कर डालेंगे। चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे ठीक से मिला लेंगे। फिर से 5 से 6 मिनट पकाएंगे। कई बार बच्चे पालक की सब्जी खाने आनाकानी करते हैं, पर ग्रीन पुलाव को सभी पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे चावल पक के तैयार है। अब इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। हम रिकमेंड करेंगे आप इसे टमाटर कड़ी के साथ खाए तो ये लाजवाब लगेगा और इसका न्यूट्रिशन भी 2 गुना हो जाएगा। टमाटर कड़ी की रेसिपी आप
जल्द ही हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके ऊपर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़ा सा गीला नारियल डालेंगे, ताजा हरा धनिया डालेंगे। लीजिए, आपका स्वादिष्ट हेल्दी ग्रीन पुलाव तैयार है। तो ये थी आज की दिलचस्प रेसिपी, इसे जरूर बनाएं और आपके सुझाव हमारे साथ साझा करें। वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।